क्या मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊं जो पूरे YouTube पर नहीं है? क्या आप जानते हैं एन एटम्स वेट ऑफ गुड या एन एटम्स वेट ऑफ इविल क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आप कब बोलेंगे, एन एटम्स वेट ऑफ गुड या एन एटम्स वेट ऑफ इविल? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। एन एटम्स वेट ऑफ गुड का मतलब होता है जर्रा बराबर भी भलाई या जर्रा बराबर भी अच्छाई। वहीं दूसरी तरफ एन एटम्स वेट ऑफ इविल्स का मतलब होता है जर्रा बराबर भी बुराई या जर्रा बराबर भी गुनाह। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी दया नहीं है यानी रहम नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू डोंट हैव एन एटम्स वेट ऑफ काइंडनेस, यानी तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी रहम नहीं है। अगर आपको कहना हो तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी ईमानदारी नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू डोंट हैव एन एटम्स वेट ऑफ ऑनेस्टी, यानी तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी ईमानदारी नहीं है। अगर आपको कहना हो आपके पास जर्रा बराबर भी सब्र नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू डोंट हैव एन एटम्स वेट ऑफ पेशेंस, यानी आपके पास जर्रा बराबर भी सब्र नहीं है। अगर आपने जर्रा बराबर भी भलाई किया है तो आप कयामत के दिन देख लेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू हैव डन एन एटम्स वेट ऑफ गुड यू विल सी इट ऑन डूम डेज, यानी अगर आपने जर्रा बराबर भी भलाई का काम किया है तो आप इसे कयामत के दिन देख लेंगे। अगर आपको कहना हो अगर आप जर्रा बराबर भी बुराई का काम किए हैं तो आप इसे क्यामत के दिन देख लेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू हैव डन एन एटम्स वेट ऑफ इविल यू कैन सी इट ऑन डूम डेज, यानी अगर आप जर्रा बराबर भी बुराई किए हैं तो आप इसे क्यामत के दिन देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा कि एन एटम्स वेट ऑफ गुड या एन एटम्स वेट ऑफ बैड क्या है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।